नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइबल विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाली है, क्योंकि जिनका भी नाम ट्राइबल विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग में मेरिट में या वेटिंग में है, तो उनके मन में यह अत्यंत बड़ी चिंता उत्पन्न हो रही है कि उनका नाम सेकंड काउंसलिंग की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। क्या ट्राइबल विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगी? उन सभी अभ्यर्थियों के मन में यह चिंता उत्पन्न हो चुकी है, और चिंता होना नॉर्मल है, क्योंकि उनकी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वह लंबे समय पहले हो चुकी है, तो ये लाजमी है कि चिंता उत्पन्न हो। हम बात करते हैं भिन्न तर्कों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके तर्क क्या है, फिर अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वह क्या है। तो सबसे पहला तर्क है, हमने कैलकुलेशन किया तो ट्राइबल विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग में और ट्राइबल विभाग डीपीआई विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग में जो ट्राइबल के पद जारी किए गए हैं उनमें बहुत अधिक अंतर है। जैसे हम बात करें डीपीआई विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग में, ट्राइबल विभाग द्वारा दिए गए जो मैथ ओबीसी के पद है वह मात्र 20 है, वहीं ट्राइबल विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग में जो पदों पर भर्ती गई थी की गई थी वह ओबीसी के पदों की संख्या 33 थी, 33 थी। तो इस कारण से ट्राइबल विभाग वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वह आएगी, जो हमने कारण दिया। अब दूसरी हम बात करते हैं अधिकारियों द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। तो जब भी ट्राइबल विभाग से संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कोई क्लियर निर्देश नहीं देते हैं, ना तो वह हाँ में जवाब देते हैं ना ही ना में जवाब देते हैं। वह हमेशा यही कह देते हैं कि 2 या 3 दिन में आ जाएगी, 2 या 3 दिन में आ जाएगी। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।